हम लोग बस थोड़ा सा लेट हो गए। मैं सोच रहा हूँ कि आज नदी को क्रॉस करके कुछ पेंटिंग किया जाए। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम पेंटिंग इन बिहार। पीछे ट्राइपॉड पूरा सेटअप हो चुका है। ये रहा लीची, जो टिपिकल गांव वाला फीलिंग है वो आपको मिलेगा इस प्लेस पे। हेलो एवरीवन, सो अभी मैं बिहार में हूँ। बिहार के मुजफ्फरपुर का एक छोटा सा गांव है जो कि मेरा नेटिव प्लेस है। तो मैं अभी लैंडस्केप के लिए जा रहा हूँ और ये जो प्लेस है ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो चलते हैं, अभी थोड़ा सा गांव घूमेंगे, थोड़ा आसपास का एरिया है उसको देखेंगे और साथ में एक लैंडस्केप भी पेंट करेंगे। यहाँ पास में ही एक नदी बहती है तो उसके आसपास का जो लैंडस्केप है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो अभी जाके मैं वहीं पे कुछ लोकेशन ढूंढता हूँ और साथ में घूमते हैं थोड़ा बहुत और पेंटिंग करते हैं, देखते हैं कैसा होता है इसका काम। तो अभी जस्ट मैं निकला हूँ अपने घर से और कहाँ पे जाके क्या पेंट करना है वो तो पता नहीं है, मुझे भी थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि आज कौन सा लोकेशन पेंट करना है। और उसी प्रोसेस में हम लोग ये थोड़ा आसपास का स्पेस है वो थोड़ा घूमेंगे। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे बाहर का, और ये जो लेफ़्ट साइड है इधर आपको ज़्यादातर जो है लीची के पेड़ मिलेंगे और ये राइट साइड आपको सिर्फ मैंगो ट्री मिलेंगे मैक्सिमम। तो ये जो प्लेस है अपने मैंगो और लीची के प्रोडक्शन के लिए फेमस है मुजफ्फरपुर, और वही आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। काफ़ी सुंदर ये स्पेस है और अभी मैं थोड़ा वॉक करूँगा और ढूँढता हूँ कुछ अच्छा सब्जेक्ट। राइट साइड में बगल से लगभग 300 मीटर या 200 मीटर पे एक नदी क्रॉस करती है जो कि आगे जाके काफ़ी क्लोज हो जाता है, ये जो रास्ता है उससे काफ़ी क्लोज हो जाता है। तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ अच्छा देखने मिलेगा। तो ये जो प्लेस है मुजफ्फरपुर ये अपने लीची और मैंगो के प्रोडक्शन के लिए ही फेमस है। स्पेशली यहाँ का जो लीची होता है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्वान्टिटी और क्वालिटी दोनों के लिए। ये रहा लीची, अब इसी का सीज़न है, लगभग 20 से 25 दिन में ये खाने लायक हो जाएगा क्योंकि बारिश हो चुका है और सीज़न में एक से दो बारिश के बाद फिर ये जल्दी पक जाता है। टाइम मिला तो मैं आपको अपना लीची और मैंगो गार्डन भी दिखाऊंगा किसी और वीडियो में। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये महुआ का पेड़ है जो कि शराब वगैरह बनाने में इसका फल जो है यूज़ होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके ही एक घाट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज नदी को क्रॉस करके उस साइड जाके कुछ पेंटिंग किया जाए, पहला पेंटिंग जो है। और यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है नदी क्रॉस करने के लिए तो हमें बाय बोट करना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे जाके जो बोट वाला घाट है वो मिलेगा, ज़्यादा दूर नहीं है घर से, 200 मीटर होगा। अभी मैं जा रहा हूँ घाट की ओर, बोट या तो यहाँ से निकल रहा है या यहाँ पे पहुँचने वाला है घाट पे। अगर निकल रहा होगा तो हमें काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा बोट का दोबारा आने के लिए। हो रही बोट, बोट निकल रहा है तो हमें अब यहाँ पे बैठ के इंतजार करना पड़ेगा। हम लोग बस थोड़ा सा लेट हो गए, बोट जस्ट हमारे आते आते निकल गया। इस टाइम पे पैसेंजर कम है तो फिर एक ही बोट चलता है आने जाने के लिए। तो अभी बोट यहाँ से गया है, फिर वहाँ पे लोग उतरेंगे और फिर वो बोट में थोड़ा बहुत पैसेंजर आएगा, उसके बाद फिर वो बोट इधर आएगा। तो हमें अभी काफ़ी टाइम वेट करना होगा उस पार जाने के लिए। तो वेट करते हैं क्योंकि इस पार आज कुछ पेंट करने का मन नहीं है मेरा। मैं दो दिन पहले उस पार गया था तो वहाँ पे एक लोकेशन दिखा था मुझे जो कि काफ़ी पसंद आया मुझे, तो स्टार्ट मुझे उसी लोकेशन से करना है। तो बस वेट करते हैं नाव के आने का, उसके बाद फिर चलते हैं उधर और स्टार्ट करते हैं आज का काम। तो नदी के उस पार दूसरा गांव है और नदी के इस पार हमारा गांव है।
तो मैं अभी लोकेशन पे पहुंच गया हूँ और पीछे ट्राइपॉड पूरा सेटअप हो चुका है और काफ़ी सुंदर लोकेशन है। तो मैं पेंटिंग के लोकेशन दिखाने से पहले एक बार आसपास का जो एरिया है वो दिखाना चाहता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम पेंटिंग इन बिहार। ये देखिए सामने का नज़ारा। तो मैं ये नदी क्रॉस करके आया हूँ पेंटिंग करने के लिए और मेरा जो घर है नदी के उस साइड है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। यहाँ पर कोई ब्रिज नहीं है तो फिर हमें ये नाव से ही नदी क्रॉस करना होता। तो यहाँ से मैं पेंटिंग कर रहा हूँ जहाँ आप ट्राइपॉड देख रहे हैं, और सामने के जो दो पेड़ हैं वो है मेरा सब्जेक्ट आज का। और मेरा स्केच ऑलमोस्ट रेडी है, मैं दिखाता हूँ। गर्मी है लेकिन बहुत ठंडा हवा चल रहा है तो फिर उतना गर्मी पता नहीं चल रहा है।
फाइनली आज का काम ख़त्म हो गया, तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ घर। एक जो टिपिकल गांव वाला फीलिंग है वो आपको मिलेगा इस प्लेस पे, और यहाँ पे सब बढ़िया है, बस एक जो इंटरनेट स्पीड है वो पूरा मरा हुआ है। इंटरनेट को छोड़ के बाकी सब बढ़िया है यहाँ पे। तो कुछ ऐसा है ये प्लेस, सो आई होप आपको ये प्लेस भी पसंद आया हो और आज की पेंटिंग भी। अगर पसंद आया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों को भी शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।